So, dear students, in the last class we have discussed about the input and output statement and along with that assignment statement. Assignment statement are the statements where assignment operators are used, is assignment operator is used, and input output statements are used where we have to supply some values from the keyboard at the time of execution, or we have to print some values or some message on our standard output device such as monitor. सो हम लोगों ने दोनों स्टेटमेंट्स देख लिए थे, इनपुट स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ किया जाता है, आउटपुट स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ किया जाता है, और इनपुट के केस में जब वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो उसमें दो तरह का डिक्लेरेशन होता है, एक कांस्टेंट डिक्लेरेशन है, कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन है, और दूसरा डायनेमिक इनिशियलाइजेशन है. डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मतलब है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन when you are executing your program, then at that specific time you give the values from different variables to produce the output. Now the third type of statement is conditional statements. Conditional statements are the statements where we have to compare the values when we have to take decisions. Conditional statements वहाँ पर use होते हैं जहाँ पर हमको decision making करनी होती है, and to take a decision we have to compare some values or compare some variables. Because without comparing we cannot take a decision. So conditional statements are used when we have to take decision making. लिख दे रहा हूँ मैं. Conditional statements are used when we have to decisions, और decision लेने के लिए हमको values को आपस में compare करना पड़ता है. जैसे for example मान लीजिए हमने कहा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए अदरवाइज प्रिंट बी, तो यहाँ पर हमको ए और बी के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा और जो वैल्यू जो होगी ग्रेटर होगी उसको हमें प्रिंट कराना होगा. नाउ टेक सम अदर एग्जांपल्स. इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, then student is qualified, otherwise he is not qualified. If age is above than 18 or equal to 18, then person is eligible for voting, otherwise not eligible for voting. If red ball is here, then take it this side. If green ball is there, then take it other side. तो इस तरह से जब हमको डिसीज़न मेकिंग करनी होती है, जब हमको कंपैरिजन करना होता है वैल्यूज़ के बीच में, तब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंडीशन चेक करते हैं. तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं. इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो उसके लिए दूसरे स्टेटमेंट्स होते हैं. अब इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझको पाइथन स्टार्ट करनी है एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन, अगर स्कूल खुला होता तो बात अलग थी, आई टू आई कॉन्टैक्ट होता तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे सकते थे. अब हमको डायरेक्ट यहाँ से
ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद में तुरंत पाइथन स्टार्ट करनी है, इसलिए इतना ही आप समझ के अभी कम से कम फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड व्हेन वी हैव टू टेक डिसीजन मेकिंग और वी हैव टू टेक द डिसीजंस। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन पाइथन सच एज इफ स्टेटमेंट और इफ एल इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और एलिफ स्टेटमेंट व्हेन वी हैव टू चेक मल्टीपल कंडीशन सच एज इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 देन फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 देन ओनली फर्स्ट डिवीजन, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 देन सेकेंड डिवीजन, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 देन थर्ड डिवीजन, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन ओनली पास, अदरवाइज नॉट क्वालिफाइड। तो इसमें मल्टीपल कंडीशंस चेक हुई हैं, तो अलग अलग जिस हिसाब से हमारा जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। और उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट टाइप का स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स तब यूज किए जाते हैं जब हमको कोई रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म करना होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा आपसे कि प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो अब प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 100 में हमको एक ही टाइप का टास्क बार बार करना पड़ रहा है। पहला तो ये है कि हमको बार बार नंबर प्रिंट करने पड़ रहे हैं, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, इस तरह से अप टू 100 तक प्रिंट होगा। और दूसरा ये कि एवरी टाइम व्हेन वी प्रिंट द नंबर देन प्रीवियस नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू नेक्स्ट नंबर। जैसे 1 प्रिंट किया तो 1 + 1 इज इक्वल टू नेक्स्ट नंबर जो प्रिंट होने वाला है वो 2 प्रिंट होगा। इसी तरह से 2 अब प्रीवियस नंबर हो गया तो प्रीवियस प्लस 1 इज इक्वल टू नेक्स्ट नंबर प्रिंट होगा, मतलब 2 + 1 इज इक्वल टू 3 प्रिंट होगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4 प्रिंट होगा, इस तरह से करके आपका प्रिंट होगा। तो जब कोई रेपिटेटिव टास्क हमको कराना होता है, जब कोई हमको रेपिटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो ऐसे केस में हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और एज़ फार एज़ पाइथन लैंग्वेज इज़ कंसर्न, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड, द वन इज़ व्हाइल स्टेटमेंट एंड द अदर वन इज़ फॉर स्टेटमेंट। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन यूज़ एनी वन स्टेटमेंट, आइदर द व्हाइल स्टेटमेंट और द फॉर स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। सो दो तरह के लूपिंग स्टेटमेंट मैंने अभी बताया, व्हाइल और फॉर। तो अलग अलग तरह के मतलब लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करेंगे इसका, इसलिए प्रोग्राम में यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली बताएंगे तो आप कहेंगे सर कैसे होता है, करके दिखाइए पाइथन में कैसे होता है, तो फिर अल्टीमेटली मुझको प्रोग्राम करके दिखाना ही है। तो जब हमको करके दिखाना ही है प्रोग्राम, तो फिर अब इसके डिटेल में ना पढ़ करके हम डायरेक्ट पाइथन के इंस्टेंस में ही सारे स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो उससे ये होगा कि प्रोग्राम में रन करा के भी दिखा दूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग इन द वेरी डीप ऑफ दीज काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल्स। सो लूपिंग स्टेटमेंट्स, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि हमको 2 की टेबल प्रिंट कराना है, तो 2 की टेबल प्रिंट कराने के लिए पहले 2 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर 6 प्रिंट हुआ, इस तरह से 20 तक प्रिंट हो गया। फिर हमने कहा कि जैसे मान लीजिए अपना नाम 10 बार प्रिंट कराइए, तो एक बार प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर 2 बार प्रिंट हुआ, इस तरह से जब रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि व्हेन वी हैव टू परफॉर्म एनी रेपिटेटिव टास्क,
रिपिटेटिव टास्क देन वी यूज लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये लूपिंग स्टेटमेंट थे। इसके बाद में फिर जंपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट ये होता है कि लूप से अगर हमको जंप करके बाहर निकल करके आना है, या फिर किसी सर्टन कंडीशन के बेसिस के ऊपर लूप को हमको ब्रेक कर देना है, तो इस तरह से कुछ जंपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें कि ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। दिख रहा है ना, जैसे कि ब्रेक जंपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट इसमें बेसिकली हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये जंपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट थे। इसके बाद में फिर जो नेक्स्ट टाइप का है वो, उसके बाद में फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है वो है एरे। एरे एरे क्या होता है कि एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स। एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा आइटम। लेकिन अगर हम पाइथन के इंस्टेंस में बात करें तो एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स। इट इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डेटा आइटम, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज कैन बी अरेंज्ड इन अ सिंगल वेरिएबल और अ सिंगल वेरिएबल नेम। मतलब जैसे कि हमको, जैसे कि क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमको एक वेरिएबल मानना है तो हमने ए मान लिया। मान लीजिए हमको 10 वेरिएबल मानने हैं तो हमने ए से लेके जे तक वेरिएबल मान लिए। मान लीजिए हमको 20 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो ऐसे केस में हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह से कर दिया। लेकिन उस केस में क्या, जब हमको 200 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, या उस केस में क्या हमको जब 2000 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो ऐसे केस में हम लोग इंडिविजुअली वेरिएबल डिक्लेयर ना करके उसको एक सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं, विच इज़ नोन एज एरे। तो एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ, या एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या इसको दूसरे तरह से लिखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज कैन बी कलेक्टेड इन अ सिंगल नेम विच इज़ कॉल्ड द एरे। इस तरह से लिख देते हैं। तो एरे इज़ या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज कैन बी अरेंज्ड अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम known as array। ठीक है, तो ये एरे है। उसके बाद में फिर एरे के बाद में फिर डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी के बाद में फिर टपल होता है। तो इसके बाद में फिर है डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है वो क्या चीज़ है, अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू सेट।
उसको डिक्शनरी बोलते हैं। फिर टपल्स आता है, टपल्स। इसके अलावा सेट्स यूज़ होते हैं पाइथन में, और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है आपका फंक्शंस। फंक्शंस है ना, तो अब फंक्शंस जो होते हैं ये एक तरह के सब प्रोग्राम्स होते हैं, सब प्रोग्राम्स। फिर इसके बाद में फिर फाइल हैंडलिंग आती है, तो अलग अलग तरह से फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिनिश होता है। इसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। मैं इसके बाद में डायरेक्ट पाइथन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अब आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ द कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज आर देयर, एंड इन दिस कैटेगरीज वी हैव कैटेगराइज्ड द लैंग्वेजेस इनटू द टू पार्ट्स। द वन इज़ लो लेवल लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, एंड अदर वन इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स या एलिमेंट्स विच आर यूज्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट द कैरेक्टर सेट्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, एंड देन आफ्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, सॉरी आफ्टर दैट ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, देन आफ्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, एंड अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड मेनली अबाउट द इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। आफ्टर दैट सम अदर यूजर डिफाइंड टाइप ऑफ डेटा आर अवेलेबल विच इज़ नोन एज एरे, डिक्शनरी एंड फंक्शंस, ऑल्सो यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एज वेल एज इन पाइथन लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ों का जो यूज़ होता है, ये एक आपके दिमाग में अब एक रफ आइडिया आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग स्पेशली पाइथन के बारे में एक एक चीज़ जो है पाइथन में किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाएगी, किस तरह से हर चीज़ को वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, स्टेटमेंट्स या हर हर एक एलिमेंट को इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से यूज़ किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ के बाद से हम जो कुछ भी बताएंगे इस बोर्ड को मिटाने के बाद में, वो आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। और अभी तक जो कुछ भी लिखा आप उसको लिखते चले गए, ठीक है, लेकिन अब जो हम लिखवाएंगे या जो भी हम बताएंगे वो आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। और आप लोग प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन। तो अब हम लोग पाइथन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये जो भी मैटर रहेगा ये नए पेज से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेडिंग, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज पाइथन, तो पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉपुलर ऑपुलर क्या लिखना है, हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज क्रिएटेड बाय गाइडो वॉन रसम। ये एक मैथमेटिशियन थे, उनके
उन्होंने इसको क्रिएट किया था, क्रिएटेड बाय बाय नाम है इनका, गाइडो वॉन रसम। ये नेम है, इन्होंने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। इन एंड ये लैंग्वेज 1991 में रिलीज हुई थी एनएससी से सर्टिफाइड होकर के। एनएससी जानते हैं ना, नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एनएससी। जैसे कि कोई एक, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से सारी लैंग्वेज जो होती हैं वो रिकॉग्नाइज होती हैं। तो एंड रिलीज्ड इन 1991। रिलीज्ड इन 1991, ठीक है। अब ये किस लिए यूज़ की जाती है? पाइथन इज मेनली यूज्ड फॉर नंबर वन वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में यूज़ की जाती है सर्वर साइट की तरफ से। इसके बाद में फिर इसके ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है। सेकेंडली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसके बाद में मैथमेटिक्स में इसका यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स में यूज़ होती है और सिस्टम स्क्रिप्टिंग में इसका यूज़ किया जाता है। सिस्टम स्क्रिप्टिंग, SCRIPTIN, सिस्टम स्क्रिप्टिंग, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों में पाइथन का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन, या फिर प्रॉपर्टीज मत कहिए, साइलेंट फीचर्स ऑफ पाइथन बोल सकते हैं। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके? तो देखिए, इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। नंबर वन यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या हुआ?